Hey guys, आज हम थोड़ा सा और दो तीन जगह घूमेंगे सिक्किम में और उसके बाद हम निकल जाएंगे दार्जिलिंग के लिए। और ये देखो कितना बढ़िया व्यू है रूम से। अभी हम जाएंगे, थोड़ा ब्रेकफास्ट करेंगे और फिर निकलते हैं। ठीक है, तो हम आ गए हैं फ्लावर एग्जीबिशन सेंटर और यहाँ पे देखेंगे फ्लावर एग्जीबिशन। इसकी टिकट है, टिकट लगती है और यहाँ पे टिकट ले रहे हैं दोनों। सो अभी हम हैं फ्लावर एग्जीबिशन में और यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के फ्लावर्स हैं। आप चाहो तो इन्हें देखो, चाहो तो इनको लेकर के चले जाओ। जैसे ये देखिए ब्रोमलियाड्स, मेरे लिए भी थोड़ा नया नया है, मैंने भी नहीं देखे कभी ऐसे, आपको भी दिखाते हैं। बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लग रहे हैं, मुझे तो ये फ्लावर बहुत ही अच्छा लगा, दिस वन एंड इसके साथ ये। और बस फ्लावर एग्जीबिशन देख करके और ट्रैफिक का सामना करके अब हम जा रहे हैं दार्जिलिंग। दार्जिलिंग जाने से पहले एक तो जगह और घूमते हुए जाएंगे। जब इतनी दूर आए हैं तो फुल ऑन पैसा वसूल और मजा करके ही घर जाएंगे। अब चलो आगे चलते हैं। हम आए हैं मोनास्ट्री और अभी हम ऐसे 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 से करेंगे। अभी हम ये परिक्रमा टाइप कुछ कर रहे हैं एंड फिर निकलते हैं यहाँ से। हम दार्जिलिंग जा रहे हैं और इतनी प्यारी बारिश हो रही है, मजा ही आ गया। बस हवा नहीं चल रही है, बाकी तो सब सही है। टीस्टा ब्रिज है ये। अब ये जो रास्ता है, ये टीस्टा ब्रिज क्रॉस करके जो हम दार्जिलिंग का रूट लिए हैं उसका है। और ये रास्ता तो ओ माय गॉड, इतना स्टीप चढ़ाई करी है ना हमने, भाई भाई। इन जाने के रास्ते में हमको मिला है लवर्स व्यू पॉइंट। तो यहाँ पे दो नदी हैं, वो मिलती हैं साथ में एंड काफ़ी राफ्टिंग भी होती है, हम भी वही देखने जा रहे हैं। तो ये व्यू है यहाँ से एंड वहाँ पे होती है राफ्टिंग। अभी तो बस हम दार्जिलिंग पहुंचे ही थे और स्टार्टिंग में मिल गई ये टॉय ट्रेन, मजा ही आ गया। थॉमस की याद आई मुझे इसे देख के, इसने हॉर्न भी बजाई। और बस हम आ गए दार्जिलिंग। अब सीधे जाएंगे रूम, थोड़ा फ्रेशन अप होंगे क्योंकि हो गए बारिश में गीले, रेडी होकर के चलते हैं मार्केट। बहुत ही अमेजिंग राइड के बाद हम लोग अपने होटल दार्जिलिंग में आ गए हैं अभी एंड मैं आपको रूम दिखाती हूँ। सो ये हमारा रूम है और देयर इज अ बेड फॉर पर्सन डाउनस्टेयर्स एंड सबसे अमेजिंग बात है यहाँ होटल के बाहर के व्यू की, तो वो दिखाते हैं। This is the view. ये मस्त तैयार होकर के अब हम निकल गए मार्केट घूमने और क्योंकि बहुत भूख लगी थी तो यहाँ पे जगह ढूंढ रहे हैं जहाँ पे हम करेंगे हमारी पेट पूजा। एकदम रेडी होकर के अब हम आ गए हैं ग्लेनरीज
आप वो देख सकते हो। अब यहाँ पे हम पेट पूजा करेंगे और फिर देखेंगे मार्केट में क्या है और उसके बाद बैक टू होटल। तो हम ग्लेनरीज आए हैं और यहाँ का व्यू बहुत ही प्यारा है। मस्त खाना खा लिया गया है लेकिन ये जो व्यू है ना ये बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है और बस ऐसे ही देख रहे हैं अभी तो। सो गाइस जो हम ग्लेनरी बेकरी आए थे वहाँ पे इस टाइप का यू गेट टॉम्स एंड यू गेट अ बास्केट, आपको जो भी चीज़ें चाहिए यू कैन पे। अभी हम ट्राई करेंगे यहाँ पे क्या है चीज़ डैनिश और क्रीम रोल्स एंड फिर आपको रिव्यूज देंगे। ये भी लेना है ब्लूबेरी बहुत अच्छी है राइट? नहीं हमने काफ़ी घूम लिया और खाना भी खा लिया है और मार्केट ही घूम रहे हैं। इन टर्म्स ऑफ शॉपिंग के लिए आपको वही बेसिक विंटर वेयर्स मिल जाएंगे एंड अदर देन दैट चाय की वैरायटी मिलेगी बिकॉज वेलकम यू आर इन दार्जिलिंग ऑफ कोर्स टी, सो यू गेट अ वैरायटी ऑफ टी एंड यू विल गेट बंगाली फूड। इफ यू लाइक हैविंग दैट यू कैन श्योरली यू नो कम हियर। ये मॉल रोड में और यहाँ पे एक बाज़ार है चौक बाज़ार वहाँ पे एंड वहाँ पे आपको खाने का बहुत सारा आइटम मिलेगा एंड काफ़ी सारे कैफेज एंड शॉप हैं। सो यस दैट्स दैट्स अबाउट इट। पूरा मार्केट देख के अब हम चले अपने होटल की ओर क्योंकि हो गया था अंधेरा शाम के 7 बजे और अब हमको लग रहा था कि हमें बहुत जाना चाहिए अपने होटल, सोना चाहिए, करना चाहिए आराम क्योंकि कल हमें जाना है। अभी बज रहे हैं सुबह के 8 और ये देखो कितना प्यारा व्यू है और सबसे बढ़िया ये देखो अगर दिख रहे हैं आपको तो वो देखो हमें कंचनजंगा पूरा यहाँ से दिख रहा है। मस्त नहा धो करके हम हो गए रेडी और अभी हम करेंगे थोड़ा सा ब्रेकफास्ट एंड आप देख सकते हो मौसम भी क्लियर हो रहा है, लाइक क्लाउड्स उतने हैं नहीं, होपफुली आज बारिश नहीं होगी तो वी विल गेट अ बेटर व्यू। ऑफ कोर्स अब दार्जिलिंग आए तो वी हैव कम फॉर द माउंटेन्स एंड यू नो मस्त पहाड़ों के ऊपर जा कर के देखने के लिए तो होपफुली वो व्यू हम देख पाएंगे। फिलहाल ब्रेकफास्ट में हम कर रहे हैं वड़ा इडली सांभर एंड वी हैव छोला भटूरा। नाश्ता करने के बाद हम निकल गए हैं आज दार्जिलिंग घूमने और अभी हम जा रहे हैं पीस पगोड़ा, वो बुद्धिस्ट टेम्पल है सो वहाँ पे जाएंगे और आपको दिखाएंगे कि वो कैसा दिखता है। और वो देखो अभी तो फिलहाल इतने बड़े बड़े पेड़ है ना यहाँ पे, मस्त पाइन ट्रीज एंड हम जा रहे हैं। आ पहुंचे हैं हम पीस पगोड़ा और पीस पगोड़ा जाते ही सबसे पहले हम पहुंचे एक जापानीज टेम्पल में और वहां के दर्शन करे, देखा कि कैसा होता है जापानीज, थोड़ा थोड़ा कल्चर पता लगा और फिर हम वहां से आगे निकल गए जो असल पीस पगोड़ा है वहां पे। तब तक थोड़ा ही टेम्पल का मैंने क्लिप शूट कर लिया था, इस वक्त तो अलाउड है, बाकी जब उनकी पूजा होती है या आरती होती है तो शायद उस टाइम आपको फोटो या वीडियो लेना अलाउड नहीं है। ये देखो सब। अब हम थोड़ी सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं क्योंकि जो पीस पगोड़ा वाला एक्चुअल स्टैचू नहीं मॉन्यूमेंट टाइप है वो थोड़ा सीढ़ी चढ़ के आता है तो चलो ऊपर चलते हैं। पीस पगोड़ा से बहुत सारा पीस लेकर के अब हम चल दिए टाइगर हिल की ओर और रास्ते में हमें ये जो है ना पिंक कलर का घर,
ये गोविंदा का घर है जो आपको रास्ते में मिलेगा जब आप टाइगर हिल जाने लगोगे। पहुंच गए हैं टाइगर हिल्स और यहाँ से सब लोग यूजुअली सुबह 4 या 5 बजे आते हैं सनराइज़ देखने। हम थोड़े लेट हो गए क्योंकि कल वेदर क्लाउडी था, बट आपको ओवरऑल मैं एक बार दिखाती हूँ कि यहाँ से कितना क्लियर व्यू आ रहा है। ऑफ कोर्स सनराइज़ होता तो और भी प्यारा लगता, बट देन दिस इज हाउ इट लुक्स। टाइगर हिल पे यहाँ अगर आपको आना होगा दार्जिलिंग से तो 70 रुपए की टिकट लगती है पर पर्सन टू कम हियर एंड रिलिश दिस व्यू, एंड वो वहाँ पे आपको माउंट एवरेस्ट दिखता है। सो लेट मी शो यू माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा एंड सनराइज पॉइंट। ये देखिए, ये वो व्यू है सनराइज पॉइंट का जहाँ से सुबह सुबह लोग सनराइज देखते हैं। ये यहाँ पे आप 3:30-4:30 बजे तक आओ टू एंजॉय दिस व्यू। टाइगर हिल डन, लेट्स गो टू जू। हाँ, 2-4 फोटो लेंगे, 1-2 वीडियो बनाएंगे और वापस चल लेंगे। लेकिन ये ऐसा सच कोई रास्ता है नहीं, यहाँ पे काफी ध्यान से जाना। ये कोई जू नहीं है, ये फॉरेस्ट में हम 2 मिनट के लिए रुक गए थे फोटो के लिए। जू आएगा पार्ट 2 में, तो वेट फॉर इट।